हेलो भाइयों, आप सभी लोग कैसे हैं? आप देख पा रहे हैं सीधे सोवन सरकार से न्यूज, लोकहित न्यूज पर आपको दर्शन कराते हैं सोवन सरकार के। ये कानपुर की जानी मानी वो जगह है, क्षेत्र और देश प्रदेश जानता है सोवन सरकार के नाम से। गाड़ियों पे, हज़ारों गाड़ियों पे, हाईवे पे चल रही होंगी गाड़ियाँ, उनमें लिखा होगा सोवन सरकार। वो यही सोवन सरकार धाम है और हम आए हैं आज सोवन सरकार दर्शन करने। आप देख पा रहे हैं सीधे सोवन सरकार के, आप लोग हमारे लाइव कवरेज के साथ में वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं सोवन सरकार के दर्शन। ये है सोवन सरकार का नज़ारा, देख पा रहे हो आप वीडियो के माध्यम से कितना अच्छा लग रहा होगा दृश्य, आप लोग देख ही रहे होंगे। ये वो नगरी है, यहाँ लोग आने के लिए तरसते हैं और जो एक बार आ जाता है दोबारा बार बार आने का मन करता है वो हमारा यूपी कानपुर देहात का एक जिला है, कानपुर डिस्ट्रिक्ट जो प्रसिद्ध है इस सोवन सरकार के नाम से। आप देख रहे होंगे दूर दूर तक ये वीडियो, जो नज़र आपकी पहुंच रही होगी सब सोवन सरकार का ही क्षेत्र है। इस लोकहित न्यूज में आप सभी लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और हम पूरा कवरेज दिखाएंगे सोवन सरकार का, इस तरीके से पूरा पूरा दृश्य दिखाएंगे आपको सोवन सरकार का। तो हम लोग आपको दिखा रहे हैं पूरा कानपुर देहात का जो सोवन सरकार है, तीसरी सरकार, आप लोगों को समझ में आ रहा होगी तीसरी सरकार कौन है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार तो आपने सुनी होगी। ये है सीधा भगवान की सरकार जिसे बोलते हैं सोवन सरकार। आप सीधे सोवन सरकार से जुड़े हुए हैं और हम ये कवरेज दिखा रहे हैं आपको क्षेत्र से। आपकी जहाँ नज़र पहुँच रही होगी सोवन सरकार का ही क्षेत्र है, दूरों दूरों तक, कोसों कोसों तक ये आपको दृश्य दिख रहा है। लोग जाते हैं बहुत दूर दूर तीर्थ करने, लेकिन अपने कानपुर देहात में जो सोवन सरकार है, एक बार यहाँ पर आकर देखिए कितना अच्छा लगता है। कैसा लग रहा है आप लोगों को घूमने में? अच्छा लग रहा है, क्या सुंदर दृश्य यहाँ पे देखने लायक। अब बार बार आओगे ना? हर बार आएंगे। कितना अच्छा लग रहा है, घूमने वाली जगह है ना, दर्शन का वाली जगह है, बहुत अच्छी जगह है। आप लोग देख पा रहे हो सीधे सोवन सरकार का, ये मैं आपको वीडियो के माध्यम से सारा दर्शन करा रहा हूँ। आप लोग जुड़े रहें, आगे पूरा मंदिर दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से सोवन सरकार का। और ये देखो क्या, कितना पानी दूरों तक, जिस तरीके से गंगा यमुना सरस्वती में उठती है उस तरीके सोवन सरकार के चारों तरफ ऐसा पानी है। और हम पूरा लाइव वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं आप सभी लोगों को, ये कवरेज करते हैं, आपको दर्शन करवाते हैं घर बैठे मोबाइल के द्वारा सोवन सरकार के। आओ, जो नए महंत जी हैं यहाँ कर, उनसे दर्शन करते हैं चल के सीधा सीधा। आज सोवन सरकार पर आए हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। हजारों की, हजारों बीघा में बना हुआ ये भव्य धाम सोवन सरकार, ये नगरी है सोवन सरकार। भाइयों आप कैसे हैं? सभी लोग हैं, हमारे समय सोवन सरकार, ये तीसरी सरकार आपको लग रही होगी। तीसरी सरकार कौन है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार तो बहुत सुनी होगी। आप देख पा रहे हैं सीधी तीसरी सरकार, यानी कि सोवन सरकार की बात कर रहा हूं जो कानपुर देहात में है। लोकहित चैनल के माध्यम से आप लोगों को, सभी लोगों को घर पर दर्शन करा रहा हूँ। हम इस समय हैं सोवन सरकार में और ये कानपुर देहात में है सोवन सरकार। बहुत अच्छा दृश्य है यहाँ पर। आप एक बार अगर दर्शन करने आएँगे तो आपको बार बार मन करेगा ऐसी जगह घूमने में, दर्शन करने के लिए। तो हम इस समय हैं सोवन सरकार में, आपको देख पा रहे हैं साहब, बहुत दूर दूर तक जो है लोग आते हैं यहाँ पर। सारा नज़रिया आपको दिखा रहा हूँ सीधा लाइव वीडियो के माध्यम से, जबकि यहाँ पर फ़ोटो खींचना या वीडियो बनाना सख्त मना है, बट मैं थोड़ा सा परमिशन लेकर के वीडियो बना रहा हूँ स्वामी जी से यहाँ के। और हम सारा कुछ दिखाते हैं आपको लाइव वीडियो के साथ में, अब पूरा दृश्य दिखाने वाले हैं आपको, बहुत अच्छा लगेगा दर्शन करके। आप जुड़े रहें लाइव वीडियो के साथ में। अगर सोवन सरकार कभी आपने दर्शन नहीं किए हैं तो हमारे इस वीडियो के साथ में ज़रूर आप जुड़े रहें और दर्शन पूरा करवाएंगे हम एक चुन चुन करके। और हम दिखाते हैं दृश्य कितना, जो आप देख रहे हैं दूर दूर तक ये सब सोवन सरकार का ही क्षेत्र है पूरा। इतनी दूर तक जो है क्षेत्र, जहाँ नज़र पड़ रही होगी वो सीधा सोवन सरकार का ही है पूरा दृश्य और दर्शन। हजारों सैकड़ों के बीघे में जो बना हुआ है भव्य धाम सोवन सरकार जिसे बोलते हैं, ये है सोवन सरकार नगरी। और हम इस समय जो नए महंत यहाँ पर हैं उनसे दर्शन करने जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। देखो
आपकी जहां नज़र पहुंच रही होगी। हम इस समय बाइक से घूमेंगे, पूरा ट्रैवल करेंगे, आप लोगों को जुड़े रहें और हम आपको दिखाएंगे पूरा वीडियो के माध्यम से सारा दृश्य। अभी जो दृश्य देख रहे हैं आप सभी लोग, अभी हमारा शुरुआत ही है, यानी कि शुरुआत से मंदिर से एंट्री ही है। जो आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सब कुछ दिखाते हैं आप लोगों को हमारे लोकहित न्यूज़ के माध्यम से। हम दर्शन करते हैं सबसे पहले महंत जी के, जो यहाँ के उत्तराधिकारी हैं, जो सोवन सरकार के बाद में जो उनके उत्तराधिकार पूरे प्राप्त हैं। और सभी लोग घूमने आए हैं यहाँ पे, बच्चों की भीड़ बहुत बड़ी संख्या में एंट्री होती है और बहुत अच्छा लगता है। आज विशेष दिन है, जो मंगलवार है, यहाँ का बहुत खास दृश्य देखने को मिलेगा आप लोगों को हमारे न्यूज़ के माध्यम से। सीधे लोकहित के द्वारा आपको दिखाएंगे सब कुछ, सारा कुछ दर्शन कराएंगे, आप हमारे साथ में जुड़े रहें। इतने अच्छे अच्छे मंदिर, इतने थे आलीशान, लेकिन बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर के दर्शन करना। कितना अच्छा लग रहा है दृश्य, आप लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को। और अभी देखो कंस्ट्रक्शन चालू है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन चालू है, यानी कि बनना बंद नहीं है। मंदिर अभी भी बन रहा है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर जो नगरी दिखेगी कुछ दिन बाद, यानी कि वृंदावन, मथुरा जी जिस तरीके से लोग जाते हैं उस तरीके से यहाँ पर धाम इतना बड़ा बन रहा है। आप लोग एक बार यहाँ पर आएँ और आप देखेंगे कितना अच्छा लगता है यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो वातावरण है, जो मौसम है, वो बहुत अच्छा है। आइए हम दर्शकों से जानते हैं कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। बहुत सारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं और बहुत बड़ा पर्यटन है यहाँ पर। तो बताइए आप लोग कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, हैं? अच्छा लग रहा है, हैं? कितना अच्छा लग रहा है, कभी सपने में नहीं सोच रहे थे जो देखने को मिल रहा है। कितने साल बाद आप आए यहाँ पर? यहाँ पे 20 साल बाद आए हैं। देखिएगा 20 साल बाद आए हुए हैं यहाँ पर। 20 साल हो गई है, 20 साल हो गए। ऐसा कुछ था 20 साल पहले यहाँ पर? यहाँ पे कुछ नहीं था, बिल्कुल जंगल ऐसा लगता था। अच्छा, अब यहाँ पे मंगल हो गया, वृंदावन के संगति के नाम से पहचाने जाते हैं सोवन सरकार। वृंदावन से अच्छा लग रहा ना, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। वो नगरी बन गई है यहाँ पर सोवन सरकार, ये बोलते नहीं सरकार सरकार होती है, तीसरी सरकार है सोवन सरकार। राज्य सरकार, केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सीधा सोवन सरकार। ये सोवन सरकार वो नगरी है जो मोक्ष के दरबार पर पहुँचाती है लोगों को। दर्शन करने आए एक बार ज़रूर यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। देखो कितने हजारों बीघे, यानी हजारों की बीघे की जमीन की वो बना हुआ है यहाँ पर जो पर्यटन है। बहुत जहाँ जहाँ तक नज़र पड़ रही सब सोवन सरकार का ही है। मैं अंदर चलता हूँ, आप अंदर की तरफ दिखाता हूँ वीडियो के माध्यम से, आप सभी लोगों को जुड़े रहे हमसे। अब थोड़ा हम अंदर की तरफ बढ़े हुए हैं सोवन सरकार मंदिर पर। ये नज़ारा ये देखो यहाँ, ये 1.5 क्विंटल का है घंटा। आइए कितने दर्शक लोग हैं यहाँ पर, देखते हैं दर्शन करने आए हुए हैं। ये सोवन सरकार है, आप लोग देख रहे हैं सोवन सरकार की लीला। सरकार नाम जुड़ा होता है तो पता चल जाता है कि सरकार सरकार ही होती है, तो ये सोवन सरकार है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है दृश्य। ये देखो हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ बैठे हैं, आपको दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग सीधे सोवन सरकार के बाहर से दर्शन करें क्योंकि अंदर से फ़ोटो खींचना सख्त मना है यहाँ पर। जिस समय आप इस नगरी में आएंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ का दृश्य का आनंद क्या है, एक बार ज़रूर आएँ आप लोग तो पता चलेगा। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोग जुड़े हैं हमारे लोकहित न्यूज़ चैनल से। आज हमें इस समय सोवन सरकार, ये राज्य सरकार या केंद्र सरकार वो नहीं है, ये है सुविधा सोवन सरकार धाम, जो धाम नगरी है यहाँ सोवन सरकार है। और सोवन सरकार में जो लोग इच्छा और उससे आते हैं अपने स्वरूप से, तो उनके जरूर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लोग बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं सोवन सरकार में, और हम इस समय सोवन सरकार की क्यों न्यूज़ दिखाते हैं यहाँ के माध्यम से, कवरेज करें लोक न्यूज़ चैनल में। आप सभी लोग जुड़े रहे हैं हमसे और आप पूरे दर्शन कराते हैं सोवन सरकार के। तो देख रहे हैं सभी लोग इस समय हैं सोवन सरकार में, और हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं कहाँ कितनी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और प्रसाद भी वितरण हो रहा है, देखो यहाँ पे परमानेंट प्रसाद वितरण होता रहता है। भैया से बात करते हैं, भैया परमानेंट प्रसाद चलता रहता है? भैया से बात करते हैं, भैया परमानेंट प्रसाद चलता है? तो भैया कहाँ से आप हैं? बन्नापुर से। आप सभी लोग बन्नापुर से हैं? हाँ, आप कहाँ से हो? हाँ, मितनपुर से। अब ये मितनपुर से, भैया आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? हाँ,
बन्नापुर, यानी कि बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, सब आसपास से काफ़ी लोग हैं। मंगलवार है तो बहुत सारी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर, प्रत्येक लोग तो दर्शन करने आते हैं, भगवान की मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं। और हजारों साल पुराना ये मंदिर है और यहाँ पे इतना विकास हो चुका है, आप देखेंगे तो बहुत बड़ा स्थल हो चुका है आज सोबन सरकार, जो कानपुर देहात के बीच में बसा हुआ है। जो सोबन सरकार, जिस तरीके से हम लोग वृंदावन मथुरा जी इस तरीके दर्शन करने जाते हैं, वहाँ इस तरीके से सेम दर्शन करने के लिए सारे भगवान यहाँ पर की मूर्तियों द्वारा स्थापित किए गए हुए हैं। और हम इस समय हैं अंदर ग्राउंड में, हजारों बीघा की ज़मीन में बना हुआ है सोबन सरकार मंदिर, जो आप हमारे इस लोक न्यूज से देख रहे हैं। सभी लोगों को दर्शन कराते हैं हम इस चैनल के माध्यम से। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं यहाँ पर, और हर समय भीड़ यहाँ पर बनी रहती है, हर समय निर्माण होता रहता है, कार्य चालू रहते हैं। और अंदर चलते हैं, हम दिखाते हैं और इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को, न्यूज़ के माध्यम से, सोबन सरकार धाम नगरी। आप लोगों ने प्रसाद ले लिया। सभी लोग जो है बहुत दूर दूर से हैं यहाँ पर, तो भीड़ लगी हुई है बराबर संख्या में, श्रद्धालु लोग हैं यहाँ पर बहुत बहुत दूर दूर से हैं। ये सोबन सरकार की सीधे न्यूज़ देख रहे हैं आप, और आगे चल के दिखाते हैं हम लोग आपको वीडियो के माध्यम से। हम इस समय महापुरुष शेषावतार भवन भगवान के पास में हैं। इस समय जो महाशेषावतार भगवान हैं यहाँ के, अंदर चलते हैं इसमें। हमें इस समय वैदेही सदन दर्शन करने में वो आनंद आता है यहाँ पर, वो दृश्य, वो नज़ारा आप लोगों को जो मिलेगा मंदिर में, वो आप कहीं पर घूमने जाएंगे इतनी संतुष्टि और वो नहीं मिलेगा। कितना अच्छा दृश्य लग रहा है। अंदर है राधा रानी का मंदिर, क्या नज़ारा है यहाँ का, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। ये आप सीधा भगवान के दर्शन कर रहे हैं हमारे, सीधा सोबन सरकार न्यूज, कानपुर देहात का प्रसिद्ध मंदिर सोबन सरकार, सीधे हमारे लोग न्यूज चैनल में आप जुड़े हैं, देख पा रहे हैं सीधे न्यूज के माध्यम से। सोबन सरकार यही वो तीसरी सरकार है जो कानपुर देहात के मायने में बोली जाती है कि यहाँ सोबन सरकार क्या है। सोबन सरकार वो सरकार है जो बहुत बड़ा धाम है, उस धाम के लिए लोग आज बहुत हजारों संख्या में लोग यहाँ पर आते हुए हैं दर्शक लोगों में। सीधा आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं, इतना अच्छा लगता है यहाँ पर, हजारों संख्या में लोग आते हैं जो फ़ोटो खींचते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। दर्शक लोग इतना आनंदित होते हैं यहाँ पर आकर के, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। ये सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार, कोई भी सरकार नहीं है, ये है सोबन सरकार, यानी कि व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं, जो मनोकामनाएं होती हैं, वो पूरी करने के लिए वो इस धाम में आता है। वो कोई सरकार लाभ नहीं दे सकती, वो है सोबन सरकार। वो मन को शांति, सुख शांति और इच्छा जो है वो पूर्ति होती है यहाँ पर। व्यक्ति बड़े भाव श्रद्धा से आते हैं यहाँ पर संख्या में लोग, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। वो है सोबन सरकार। आप हमारे लोग न्यूज़ चैनल में जुड़े हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। कहाँ से आए हो? बिहार से आए हो? बड़े दूर से आए हो, तो ये जानते हो कौन सा स्थान है ये? कौन सा स्थान है ये? सोबन सरकार है, ये बहुत प्रसिद्ध सरकार है ये सोबन सर। जानते हो आप कहाँ से हो आप? हम कानपुर से, हम
बैकुंठपुर, ये सब मायके से हमारे यहाँ। अच्छा अच्छा, आप देख पा रहे हैं सब बहुत दूर से, बिहार से, स्टेट अदर स्टेट से आए घूमने यहाँ पर। नालंदा जिला। आप नालंदा जिला से आए हैं? वाह, अच्छा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आए दर्शन करें, बहुत बड़ा धाम है यहाँ पर। हमें अभी तो अच्छी में सिविल कोर्ट में। अच्छा अच्छा, जुडिशियल। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा आनंद आ रहा है? ठीक है, बताइए। आप देख पा रहे हैं इतना कष्ट करके यहाँ पर इस मंदिर पे के लिए इतना कष्ट झेलना पड़ा, बहुत ट्रेन में समस्याएं हुई इनको, और अपना लेटर या कंप्लेन या बहुत सारी समस्याओं को लेकर के इस धाम में आए हुए हैं दर्शन करने। गाड़ी में चार बोगी होना चाहिए आगे में और चार बोगी पीछे में होना चाहिए जनरल में। बताइए इतनी ये सब एसी बना करके जनता का लूट पैसा हो रहा है। ये जो बता रहे हैं अपनी कंप्लेन, बहुत 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 दिक्कत से आए हुए हैं यहाँ पर। इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर्यटन में आए हैं, बहुत समस्याएं थी ट्रेन में लेकर के, बहुत बड़ी दिक्कत हुई है, और इनका ये सीधा कोर्ट से संबंध रखते हैं। हाँ, कोर्ट से संबंधित है, कोर्ट से संबंधित रखते हैं। अभी बिहार में नीतीश कुमार ने बिल्ला फहराया फल्गु नदी में, लेकिन उसका जो भी हमने उसके बनस्पत में फल्गु का बारे में मीटिंग प्रोग्राम देते थे हम। ऐसे लोग, बड़े श्रद्धालु लोग बड़े दूर दूर से आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए, और अब दिखाते हैं लोगों को यहाँ।